ऐसे ही लोग धक्के से पड़े हैं, घूम रहे हैं। ये नीचे सारा एप्पल का है जो फूल आए हैं ना इसमें। अच्छा अच्छा, ये एप्पल के ही है सब। पत्ते कम है, फूल ज्यादा जो दिख रहे हैं ना, हाँ वो एप्पल का है। मतलब अब एप्पल निकलेगा सितंबर तक आएगा। देखो आपकी साइड भी दिखेगा भी। हाँ ये सब एप्पल है। ये वाला, ये कितना सही, ये जो व्हाइट वाला फूल है। हाँ जी, इसमें एप्पल आ जाएंगे सारे। हाँ जी, पूरा लग जाएगा। देखिए इधर है, देखिए इसमें इसको काट दिया होता है ना, अपना सितंबर अक्टूबर में इसकी कटिंग हो जाती है। अच्छा, ताकि बर्फ पड़ेगी तो 10 ईयर ट्री है। एप्पल निकला, निकलेगा अब। फ्लावर है अभी, फ्लावर के बाद एप्पल निकलेगा ना जून में स्टार्ट। ड्राइवर भैया हम लोग को बता रहे हैं कि कैसे बर्फ का पानी नीचे आके पूरा नदी बन जाता है। और सच में बहुत जड़, लोग यहाँ बोलते हैं कि जड़ी बूटी वाला पानी होता है, हेल्थ वाइज बहुत अच्छा होता है। वाकई पानी इतना साफ, इतना सुंदर लगे मगर आप पी लें। लेकिन बहुत गाइस बहुत ठंडा है। जो मनाली आया है वो तो टच किए करके जाने ही होंगे। तो हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग नदी को एकदम पास से टच कर सकें और मुझे वो फीलिंग लेनी है गाइस। और एक फ़ोटो भी अच्छी खिंचवानी है। आई होप मैं फ़ोटो खिंचवा सकूँ वहाँ पर, क्योंकि दो बच्चों के साथ थोड़ा कम पॉसिबल होता है, क्योंकि हमें बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादा देखनी पड़ती है। तो हम लोग जा रहे हैं वशिष्ठ टेम्पल के बाद, हमारा सेकेंड जो हम लोग का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है क्लब हाउस। क्लब हाउस एक ऐसी जगह है पर जहाँ के आपको डिफरेंट टाइप के खेल खेलने को मिलेंगे और नदी भी है रिवर राफ्टिंग करने के लिए। तो ये अंदर इस टाइप की शॉप दी हुई थी, बाहर केवल 10-15 रुपये टिकट था, लेकिन अंदर गाइस बहुत महंगा टिकट है और बहुत महंगी मार्केट है। एक शॉप, एक छोटा सा शॉप टाइप का, उसके अंदर सारी शॉप एंड रेस्टोरेंट है। और ये देखिए अंगूरी, यहाँ आपको सारे स्नूकर के, सारे गेम्स के, लूडो जो भी आप खेलना चाहो, सारे गेम्स के रेट भी दिए बहुत महंगे, 150, 200, 300 ऐसे दिए हुए हैं। और बाहर टिकट सस्ता है लेकिन अंदर थोड़ा सा महंगा है। तो जो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चाहिए चाहता है वो आराम से बैठ के गेम खेल सकता है। हम लोग बस जो चीज़ हम लोग नहीं देखे थे हम लोग वो देखने आए थे, नेचर ब्यूटी। तो हम लोग ज़्यादा देर अंदर रुके नहीं, अंदर रुकना, अंदर तो नेचर ब्यूटी मिलनी नहीं है। और मेरे हस्बैंड, आई हेट शॉपिंग, तो शॉपिंग का नाम ही मतलब। तो हम लोग नदी का, जो नदी के पार वाला इलाका है, हम लोग उस साइड जा रहे हैं जो इसके जस्ट अपोजिट साइड में है। और इस साइड से एक रास्ता दिया, एक रास्ता दूसरी साइड से भी है। तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इतनी ग्रीनरी है, इतनी ग्रीनरी और इतना सुंदर, मतलब सही में मेस्पराइज हो जाए इंसान अगर हमारे इधर से कोई जाए तो। और साउथ वाले बहुत आए थे, मतलब साउथ वाले को तो बहुत थे, साउथ से, राजस्थान से, हमारे यूपी से बहुत लोग आए थे। मतलब लैंग्वेज से तो पता ही चल जाता है। और ये देखिए हम लोग धीरे धीरे उतर रहे हैं और बच्चों के साथ थोड़ा मतलब प्रिकॉशन लेना पड़ता है। और ऊपर से अभी इतना कोरोना का कहर नहीं है, तो मतलब नॉर्मल ही था सब कुछ। अब तो ज़्यादा ही कहर आ गया है जिस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। और जब मैं गई थी ना गाइस, बिल्कुल भी नहीं ऐसा कुछ था कोरोना का कहर नाम की चीज़, बहुत सब स्मूथ था। ये देखिए हाथ से कढ़ाई की हुई है, इतनी खूबसूरत लग रही है, मेरा तो इस पर दिल आ गया था लेने का, मन करता। तो केवल आप लोग के लिए शूट किया है। और अगर लेना हो गाइस, यहाँ से आप पर्स हैंड बैग ले सकते हो, बहुत खूबसूरत है। मुझे लेना नहीं था तो मैंने पूछा, नहीं तो मेरे हस्बैंड ने गुस्सा दटे, जब लेना नहीं तो पूछना क्यों। बहुत सुंदर सुंदर बैग थे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और यहाँ से देखिए नज़ारे नीचे का देखने का, शाम भी डर रही थी जाने से, तो मैं और अथा ने डिसाइड किया कि हम लोग नीचे जाएंगे। फिर हस्बैंड और बेटी मेरे नीचे आ गए, तो वो आगे से दूसरा रास्ता है, वो मतलब अच्छा खासा रास्ता है। तो नीचे देखिए लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, रिवर क्रॉसिंग कर रहे हैं। और मतलब शाम भी कोई मन था करने का, लेकिन अभी ये 5 below है इसलिए इसको नहीं कराया हम लोग। अभी 5 years की नहीं हुई है इसलिए हमने नहीं, तो मेरी बेटी कह रही मैं भी करूँगी। लेकिन यार बेटी तो जान होती, डर तो लगता ही है क्योंकि पत्थर तस चोट ना लग जाए। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं 5 years की नहीं हुई है। और बेटा मेरा बहुत डरता है सब चीज़ों से, उसने पहले ही मना कर दिया। तो ये हम लोग नीचे चले जा रहे हैं और पानी इतना ठंडा है कि पूछे मत, मतलब हालत एकदम ख़राब हुई थी पानी टच करके, लगा जैसे पिघले हुए बर्फ में हाथ डाल दिया। और इतना मेरा वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का मन था पत्थर पे बैठ के, लेकिन कोई खींचने वाला भी नहीं था और साथ में मेरा बेटा था। और डर लग रहा था कि कहीं पैर वैर ना डाल दे अपना पानी में, तो ठंड भी हो जाएगा और जूते भी गीले हो जाने, और जूते पेयर शूज़ हम लाए भी नहीं थे। और बिलीव करेंगे गाइस वही हुआ ही, वो जाके पत्थर पे बंदा खड़ा है, मेरा बेटा बोला मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैंने मना किया कि मैंने कहा बेटा मत जा वहाँ पे, बहुत रिस्क है। एक तो पानी में बहना अलग चीज़ है, क्योंकि बह नहीं पाओगे क्योंकि पत्थर आ गया है, मैं तो हाथ पकड़ी हूँ, लेकिन अगर गलती से पैर चला जाएगा ना तो गीले हो जाने शूज़। और वही हुआ,
मेरा बेटा, बच्चे तो वैसे बात सुनते नहीं है, पैर डाल दिया और पैर गीले हो गए उसके। पैर गीले हो गए तो क्या करें, थोड़ा सा तो क्या करें, गीले हो गए उसी में उसको पनिशमेंट मिली थी। पूरा दिन वो गीले पैर ही पूरा घूमा बेचारा, लेकिन क्या कर सकते। और शूज़ हम लोग लेने गए थे मार्केट में, इतने महंगे महंगे शूज़, मतलब यहाँ लोग मजबूरी का फ़ायदा गजब उठाते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मैं शूज़ जो मेरा बेटा पहना है हार्डली 300-400 का होगा ये, मतलब लोकल मार्केट से लिया था। और यही शूज़ 1000 रुपये का, या तुम ब्रांडेड शूज़ बेचो समझ में आता है, लोकल शूज़ 1000 रुपये का। भी इतनी सोल इतनी हैवी कि एड़ियाँ दर्द हो जाए। तो हम लोग थोड़ा सा मूड मेरा अपसेट हो गया था, बेटे का पैर गीला हो गया, गुस्सा भी आई थी और अपसेट भी हो गया था कि मेरा बेटा ठंडे पैर पूरा घूमेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड, करने दो, जैसी गलती किया वैसा भुगतेगा। मेरा हस्बैंड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तो ये मैं गुस्से में आ रही हूँ उसका हाथ पकड़ के लेके। और मेरा बेटा थोड़ा डर गया था, लेकिन ठीक है, कोई डाटा नहीं है उसको, क्योंकि थोड़ा अपसेट भी हो जाते हैं हम लोग कि हाँ गीला हो गया पैर, कैसे चलेगा बेचारा। तो ये मैं आ रही हूँ, और ये देखिए कैसे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और अगर आप लोग जा रहे हो ना तो जरूर जाना, एक बार जरूर करना। मुझे ऐसा लगता है ना कि